तो भाई आप लोग देख सकते हो इस अकाउंट को बनाए हुए केवल 3-4 दिन हो गए और मैंने अभी तक किसी को बताया भी नहीं कि मैंने यह नया अकाउंट अपना बनाया। मैंने इंस्टाग्राम की रील्स की टिप्स वगैरह डालने के लिए यह अकाउंट बनाया था और आप इसके व्यूज देख सकते हो, एक पे 20,000 प्लस है, एक पे यहाँ पर 15,000 प्लस है और यहाँ पर बाकी जो स्टार्टिंग में जो दो रील्स थी, आपको पता है इंस्टाग्राम एकदम से स्टार्टिंग में व्यूज नहीं भेजता तो दो रील्स पर नहीं आए और जो मैंने एल्गोरिथम अप्लाई करते उनकी वजह से यहाँ पर व्यूज आ गए और अभी तो 100 यहाँ पर फॉलोवर्स वगैरह हो गए, बट जब मैंने रील्स अपलोड करी थी ना तब केवल 12-13 फॉलोवर्स थे, 12-13 फॉलोवर्स पे 20,000 व्यूज लेके गया क्योंकि मैंने ये एल्गोरिथम अप्लाई करे जो इंस्टाग्राम बताती है। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो को देख लेना, आपका दिन बन जाए। सबसे पहले इस अकाउंट को हल्का सा इंट्रो दे दूं, मैंने सोचा कि जो मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है जिसको मैं ज्यादातर यूज करता हूं वो याला अकाउंट है, ठीक है ना। अब आपको पता है इस अकाउंट पर आई हुई मेरी स्ट्राइक, अभी इस अकाउंट पर मैं चाह के भी ना अपनी ज्यादा रील्स वायरल वगैरह नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा एक नया अकाउंट बनाता हूं जिस पर मैं टिप्स वगैरह बताऊं जो कि मेरा काम है। तो एक नया अकाउंट बनाता हूं और अभी फिलहाल किसी को बताऊंगा नहीं, मैं खुद से इसको ग्रो करूंगा और मुझको पता नहीं था भाई, मतलब दिमाग में ज्यादा नॉलेज है कि मैंने जो मतलब मेरे दिमाग में जो नॉलेज है ना कि मैंने उसके ही अनुसार 2-3 रील्स अपलोड करी और भाई इतना अच्छा तगड़ा रिस्पांस मिला, हर कोई शॉक्ड हो गया, सब कहने लगे भाई फेक है क्या। भाई फेक नहीं है, यहाँ पर आप लाइक वगैरह देख सकते हो और यहाँ पर भाई उसके कमेंट वगैरह भी चेक कर सकते हो और भाई इंस्टाग्राम पर भी रिक्वेस्ट मैसेज भी देख सकते हो, लोगों ने मेरी रील्स देख देख के मुझे मैसेज करा है। और आप लोगों को पता है इस अकाउंट के बारे में तो अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं, अगर बताता ना तो अभी तक इस पर 300-400 फॉलोअर्स तो हो ही गए होते, ठीक है ना। तो आप भी इस अकाउंट को जाकर फॉलो कर सकते हो यहाँ पर, बट अगर आपका रील्स की टिप्स एंड ट्रिक्स में इंटरेस्ट है तो रील्स वायरल कैसे करी। सबसे पहले ट्रिक मैं आपको हमेशा बताता हूं, वीडियो क्वालिटी, अगर आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो ऑडियंस जो है वो आपकी वीडियो में बन जाती है, मतलब आपको अच्छा खासा वॉच टाइम दे देती है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं भाई वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करो, भाई जिसके व्यूज नहीं आते ना उसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार रहती है। तो मुझे पता था कि भाई वीडियो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने भाई आईफोन से बनाया और अपने आईफोन के कैमरे से बनाया ताकि और अच्छी वीडियो क्वालिटी आए और उसके बाद अच्छी क्वालिटी में सेटिंग वगैरह करके इसको अपलोड करा। सबसे पहले ट्रिक तो ये थी। दूसरी ट्रिक हैशटैग, हैशटैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी रीच बढ़ाने में। अब बेसिकली जो मेरे इस वीडियो का कंटेंट था वो था टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह का, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने जो सारे हैशटैग है वो इंस्टाग्राम के ही लगाए, यहां पर आप लोग देख सकते हो इंस्टाग्राम अपडेट, इंस्टाग्राम टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह, ऐसे हैशटैग लगाए ताकि एल्गोरिथम समझ जाए कि हाँ मेरी वीडियो का कंटेंट क्या है। यहां पर आप लोग देख सकते हो मेरा जो पुराना वाला अकाउंट है इस पर मुझे इंस्टाग्राम एक रील सजेस्ट कर रही है क्योंकि मैं क्रिकेट की वीडियो देखता हूं, एल्गोरिथम समझ गया कि भाई ये वीडियो, ये बंदा क्रिकेट की वीडियो देखता है तो इसलिए हम क्रिकेट की वीडियो से सजेस्ट करते हैं। और इस अकाउंट को मैंने फॉलो भी नहीं कर रखा तब भी इंस्टाग्राम ने मुझे सजेस्ट किया, क्यों किया, एल्गोरिथम को कैसे पता कि ये वीडियो क्रिकेट की है, क्योंकि यहां पर इसने जो इस वीडियो के मतलब इस बंदे ने अपनी इस वीडियो में सारे हैशटैग क्रिकेट के लगा रखे हैं, एल्गोरिथम समझ गए कि ये वीडियो क्रिकेट की है। अब जिस जिसको इंटरेस्ट है क्योंकि मैं क्रिकेट देखता था तो एल्गोरिथम ने मुझे सजेस्ट कर दिए, ऐसी मैंने हैशटैग इसमें इसलिए वीडियो से रिलेटेड लगाया है ताकि एल्गोरिथम समझ जाए कि ये वीडियो जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स की है। अब जिसको टिप्स एंड ट्रिक्स में देखने में इंटरेस्ट है एल्गोरिथम ने मेरी वाली वीडियो उन लोगों को सजेस्ट कर दी होगी, तो यहां पर हैशटैग में मैं जीत गया। तीसरी ट्रिक रियल कंटेंट, रियल कंटेंट से मेरा मतलब है काफी लोग क्या करते हैं व्यूज लेने के कारण कुछ लिख देते हैं, मतलब जैसे थंबनेल वगैरह में कुछ लिख दिया और अंदर वीडियो में कुछ और होता है तो इससे पब्लिक जो है वो इरिटेट हो जाती है। जैसे कि आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, जो थंबनेल में था वही मैंने अपने यहां पर टॉपिक में आपको बताया, अपनी वीडियो के अंदर आपको बताया, तो मैंने इस वीडियो में भी ऐसा करा, मतलब जो पब्लिक आ रही है उसको कुछ मिला, उसे कुछ इंटरेस्टिंग मिला, हाँ भाई यार हाँ भाई बंदा सच कह रहा है, उसकी नजरों में ना मैं बिल्कुल सच्चा हो गया, तो वो मुझको क्या करेगा, मुझको लाइक भी करेगा, फॉलो भी करेगा और इससे मेरी रीच बढ़ेगी। काफी लोग पता क्या करता है थंबनेल में कुछ और लिख देते हैं, जैसे यूट्यूब की बात बता रहा हूं या फिर भाई यहां पर इंस्टाग्राम की बात बता रहा हूं, यहां पर वीडियो में वो कितना अच्छा बताने की कोशिश करते हैं बट उनकी ट्रिक जो होती है वो बिल्कुल बेकार होते हैं, काम की नहीं होती है, तो उससे क्या करता है बंदा इग्नोर कर देता है और एल्गोरिथम को लगता है कि वीडियो में दम नहीं था। तो रियल कंटेंट हमेशा आपको वैल्यू देके जाएगा, जो आपकी ऑडियंस है वो आपको वैल्यू देके जाएगी और जब भी आप अगेन वीडियो अपलोड करोगे तो भाई वो बंदा आपकी नजरों में होगा और वो कहेगा कि हाँ भाई ये बंदा सच बताता है, तो इसलिए भाई इस वीडियो की इसकी वीडियो देखता हूं, ठीक है ना। और भाई दोबारा सच मिलता है तो वो आप पे बहुत ब्लाइंड वाला ट्रस्ट कर लेता है, इसलिए मैं कभी भी वीडियो फेक नहीं बनाता हूं अपने यूट्यूब पे, क्योंकि जो मेरा रियल सब्सक्राइबर होगा मेरा अब तक साथ है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कोई प्रूफ के साथ बात नहीं करता, मतलब मेरे पास अगर प्रूफ है मैं तभी बात करता हूं और बिल्कुल सच सही बात करता हूं जो रियलिटी है, ठीक है ना। इसलिए भाई आप लोग मुझे इतना ज्यादा प्यार दिखाते हो। अब आते हैं भाई लास्ट ट्रिक, कंटेंट ऑडियंस। काफी लोग ये करते हैं कि मिक्स कंटेंट डालते हैं, अपनी ऑडियंस जो है वो मिक्स कर लेते हैं। अब याला अकाउंट मैंने सबको क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिसको रील्स में, जिसको टिप्स एंड ट्रिक्स में इंटरेस्ट है केवल वही मुझको फॉलो करे, ताकि जब मैं वीडियो डालूं वो मेरी उस वीडियो को भी देखे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है इसमें। अगर सपोज करो कि मैं एक 2-3 बंदे लाता हूं, ठीक है ना, एक है जो रील्स की टिप्स एंड ट्रिक्स में इंटरेस्ट करता है, एक है जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है और एक है जो भाई जो कॉमेडी में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है ना। अब मैंने रील्स जो डाली वो डाली टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो भाई याला बंदा तो देख लेगा बट क्रिकेट वाला और कॉमेडी वाला नहीं देखेगा, एल्गोरिथम को लगेगा कि भाई इसके फॉलोअर्स इसकी वीडियो नहीं देख रहे हैं।
इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं जो आपका कंटेंट है वही ऑडियंस अपने अकाउंट पर रखो। काफी लोग मिक्स कंटेंट डालते हैं उसके कारण आपके अकाउंट पर मिक्स ऑडियंस आ जाती है। तो जब भी आप कोई रील्स डालते हो ना तो चाहे मिक्स ऑडियंस है ठीक है ना, जो 10% आपके कंटेंट की ऑडियंस होगी वो तो आपकी रील्स देख लेगी बट बाकी नहीं देखने की है। तो इसलिए भाई एल्गोरिथम आपकी वीडियो वायरल नहीं करने के है। इसलिए भाई मैं आपसे हमेशा अभी भी कह रहा हूं कि भाई इस कंटेंट पर मेरा साथ देना, जिसको रील्स के टिप्स एंड ट्रिक्स में इंटरेस्ट है वही जाके फॉलो कर लेना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग देख सकते हो कि मैं किस किस एल्गोरिथम के कारण यहां पर अपने जो है वायरल करता हूं और इस पर रील्स बोनस भी ले आऊंगा मैं 5000 फॉलोअर्स करने के बाद। मैं किसी को बोलूंगा नहीं, लोग मतलब कि मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स देख के ही फॉलो कर लेंगे। इतने ज्यादा एल्गोरिथम तो भाई पता ही है तुम्हारे, 6 साल हो गए भाई, इतनी नॉलेज तो है ठीक है ना। अरे ऐसे अगर और नॉलेज नहीं है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और नॉलेज मैं दिखाता रहूंगा, प्रूफ्ड के साथ दिखा रहा हूं। भाई नया अकाउंट बनाया था और जाकर देख सकते हो भाई वायरल कर दिया ठीक है ना। तो भाई ये होता है प्रूफ्ड और ये होता है भाई अपने में कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, मतलब कि हां पता है, मतलब मुझे पता रहता है कि भाई मैं इस अकाउंट को चाहूं ना इस अकाउंट को वायरल कर दूं उसकी मतलब मिस्टेक बता के। काफी लोग मुझे इंस्टाग्राम डीएम करते हैं तो सर भाई बताओ बताओ बताओ, वो काफी ज्यादा मिस्टेक वगैरह करते रहते हैं। तो भाई इसलिए मैं उनको बता देता हूं कि भाई ये मिस्टेक मत कर वरना भाई ये सब हो रहा है ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। तो भाई नॉलेज रखो, नॉलेज रखनी है तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ हमारे प्यार के और फिर मिलेंगे, चलते चलते।